गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण गुलमोहर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के मन में यह उत्सुकता होगी कि भाषा है क्या, इसे क्यों बनाया गया है, इसे बनाने का क्या उद्देश्य है। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम समझते हैं। जब पहले भाषा नहीं था तब हम संकेत के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जैसे ट्रैफिक पुलिस अपने हाथों का इशारा देकर, सीटियां बजाकर हम लोगों को संकेत देता था कि किधर मुड़ना है, किधर जाना है। किसी प्रमुख व्यक्ति का अगर निधन हो जाता था तो उस समय हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुक जाता था, तो हम समझ जाते थे कि कोई घटना घटी है। लेकिन इन सब सारी बातों से हमारे समस्या का समाधान नहीं हो पाता था, क्योंकि हम नजदीक वाले ही इन सब सारी बातों को समझ पाते थे, दूर वाले इन सब समस्याओं को नहीं जान पाते थे कि कहां क्या घटना घटी है। तो इसके लिए सभी ने सोचा कि कुछ भाषा का विकास हो, ताकि हम उस भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि भाषा का निर्माण क्यों किया गया, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अब हम कह सकते हैं, अब आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि भाषा है क्या। तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब लिखित रूप में देखिए कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भाषा का लिखित रूप हो गया। अगर हम पत्र के द्वारा किसी को संवाद लिखकर भेजते हैं, अपने मन के विचारों को लिखकर भेजते हैं, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब दूसरा रूप क्या है, तो मौखिक। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आप लोग देखते होइएगा कि भाषण दिया जाता है, बहुत सारे नेता लोग आते हैं हम लोग के यहाँ और भाषण देते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भाषा के द्वारा, भाषा के माध्यम के द्वारा हम लोगों के सामने रखते हैं अपने विचारों को। फिर एक संगीतकार, एक गायक जो है वो गीत के माध्यम से हम लोगों को अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन में। हम लोग अभी देखिए कोरोना वायरस का इतना चर्चा हो रहा है, तो हम लोग क्या, हम लोग अपने रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, तो ये सब क्या, भाषा का मौखिक रूप है, उसमें बोलकर हमें बताया जाता है। टेलीविजन में तो कुछ बातों को लिखकर भी दर्शाया जाता है, फिर भी हम उसको मौखिक रूप में ही ले लेते हैं, तो ये सब भाषा का मौखिक रूप हो गया। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि लिपि क्या है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का निर्धारण किया गया, चिन्हों को बनाया गया, तो हम उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अब जैसे कि हम देखिए कि हिंदी लिपि, हिंदी जो है उसकी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो हम क ख ग घ के माध्यम से हम हिंदी लिपि को लिखते हैं, तो एक चिन्ह बन गया। ये क ख ग घ क्या है, एक लिपि का चिन्ह है, जिसको हम शब्दों के सही सार्थक मेल के द्वारा हम उसको स्पष्ट करते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। तो आप लोगों को लिपि के बारे में बताएं कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, भाषा के लिखने के चिन्ह को, चिन्ह का निर्धारण किया गया उसको हम लिपि कहते हैं। फिर हम चले भाषा की ओर, फिर से हम बात करते हैं एक बार कि अनेक राज्यों की भाषाएं अलग अलग होती है। तो जैसे बंगाल में बांग्ला बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, ओडिशा में ओडिया बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। फिर उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है,
जो कि देश विदेश की भाषा होती है, फ्रेंच लैंग्वेज होता है, अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू भी एक है, उर्दू फारसी है, यह है उर्दू भाषा की फारसी लिपि होती है, पंजाबी गुरुमुखी जो पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी, उसी तरह से अंधे लोगों की भी एक ब्रेल लिपि होती है जो कि अंधे लोग ब्रेल लिपि के द्वारा अपने भाषा को व्यक्त करते हैं। तो हम लोग अभी दो चीजों को समझें, सर्वप्रथम भाषा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपने मन के विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। इस बात को आप लोग गौर से सुनिए और नोट कीजिएगा कि जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, और जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो ये सारी बातें हम लोग जान गए। अब हमारे चैप्टर में यह भी दिया गया है कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, ये भी सवाल हमारे मन में आता है कि यह व्याकरण क्या है। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखने पढ़ने और बोलने आता है और भाषा का सही ज्ञान होता है। इसलिए हिंदी व्याकरण बनाया गया है ताकि हम शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल सके, पढ़ सके और लिख सके। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि चिड़िया उड़ रहा है, तो ये क्या है, गलत भाषा हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन वही पर अगर हम कहते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, तो जब हमें लिंग का सही ज्ञान होगा तभी तो हम इस बात को बोल सकेंगे ये सही है या गलत। तो यह ज्ञान हमें कौन देगा, तो व्याकरण देगा कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। यह आपका यही चैप्टर था, भाषा लिपि और व्याकरण। तो आप लोग यहाँ पीछे आगे हम चैप्टर को सॉल्व कर दिए हैं, उस पीछे सॉल्व किया गया सभी को आप लोग याद करेंगे, सभी राज्यों की भाषा और उसकी लिपि ये सब आप लोग याद करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के किसने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर बुक में दिया गया है, बॉक्स बना बना के दिया गया है, और हम भी आप लोगों को डील करके बताए हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं और उसको भी नोट कर सकते हैं। तो एक नोटबुक में आप लोग इन सारी चीजों को नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, फिर अगला चैप्टर लेकर हम फिर अगले रोज आएंगे। धन्यवाद।